नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ साहुल पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, प्रथम चरण के चुनाव 28 तारीख को मतदान होंगे और कल जो है चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जो है खत्म हो गए और इसी दौरान कई जगहों से राज्य में कई जगहों से जो है ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें नेताओं के ऊपर हमला होने की बात कही जा रही है। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो आरा के आगियाओं से सामने आया है, जरा देखिए। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर के बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो गाड़ी दिखाई दे रही है वो जदयू प्रत्याशी प्रभुनाथ राम की है और वो चुनाव प्रचार करके जो है देर रात लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके गाड़ी पर हमला कर दिया, विरोध में नारे लगाए और आप सुन ही सकते हैं कि किस तरीके से उनकी गाड़ी का पीछा भी किया, आप देख सकते हैं इस विजुअल में। इस पूरे मामले को लेकर के जदयू प्रत्याशी का क्या कहना है तो ये भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं विरोधियों की तरफ से सुनियोजित तरीके से रचा गया था और ये पूरी तरीके से एक साजिश के तहत उनका विरोध किया गया। उन्होंने खासतौर पे यहाँ से भाकपा माले के उम्मीदवार मनोज मंजिल को लेकर के इशारों में ये कह दिया कि वो जो है उनके चुनाव प्रचार से या फिर उनके जीतने को लेकर के जो आशंकाएँ बन रही हैं उससे वो डरे हुए हैं और यही कारण है कि अब जो है उनके ऊपर हमला करवाने की नीति अपनाई जा रही है। जरा प्रभुनाथ राम को सुनिए। देखिए, जो समाज में जो क्षेत्र में हिंसक घटना फैलाने का काम करते हैं और हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो हताश हो चुके हैं। जनता हिंसा की राह नहीं चाहती है, जनता शिक्षा और विकास चाहती है, इसलिए लोग हराश होकर उसको रंजिश निकाल रहे हैं कि बहुत उन लोगों को हम लोग बुरी तरह हरा रहे हैं। पूरा जनता खुल कर विकास और शांति व्यवस्था का पक्षधर है, हम लोग को जनता हमारे साथ है और उसी उन लोगों का यही कारण है कि सभी जगह कहीं मार झगड़ा जानलेवा हमला करना उन लोग का ही काम रह गया है। कौन आखिर वो कौन है जो आप पे हमला कर रहे हैं आप? अरे यहाँ पर माले समर्थक लोग हैं, माले समर्थकों के कारण ही कितना किसानों का कितना मजदूरों का कतलेआम हुआ, कितना खेत बंजर पड़ गए और फिर वही लोग चाहते हैं कुछ तरह हो। तो हमारी सरकार है, कानून व्यवस्था की सरकार है, किसी भी उपद्रवियों का फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कानून का व्यवस्था रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जब तक हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा, कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया रहेगा और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने किसी पे केस दर्ज भी कराया है? देखिए, रात का समय था, इसको पहचाना बड़ा बची है, तो हम लोग आ रहे तो उन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि कहीं PNDA के प्रत्याशी को किसी तरह हरास किया जाए, मनोवैज्ञानिक ढंग से इनको परास्त किया जाए, शारीरिक रूप से उसको पस्त किया जाए। उन लोगों का मंसूबा है, अपना रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं। जानलेवा हमला एकदम अधिक किया था, लोग दो चार को गाड़ी का शीशा फूट गया, लाठी डंटा लेकर तैयार था लोग, सुनिए जी ढंग से खड़ा था रोड के दोनों किनारा। अरे हम लोग जब हम जाते हैं कहीं पर जनता अगर रहती है तो हम लोग का हाल चाल पूछना हम लोग का कर्तव्य बनता है। थाने में आवेदन दिया है। जी, प्रभुनाथ राम को आपने सुना, उनका बयान साफ तौर पर यही है कि इलाके में
भाकपा माले के लोगों का दबदबा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से उनके ऊपर हमला कराने को लेकर के साजिश की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के भाकपा माले के उम्मीदवार के तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव प्रचार जो है थम चुके हैं और 28 तारीख को मतदान होना है। जनता किस चीज़ को किस तरीके से लेती है ये तो 28 तारीख को मतदान पेटी में यानी कि ईवीएम में कैद हो जाएगा और 10 तारीख को अपने आप जब मतगणना होगी तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।